सो दिस इज द स्टोरी कि अभी रिसेंटली डिसाइड हुआ है कि यार हम मेरे को गांव जाना है। तो लेट्स सी कि ये गांव जाने की स्टोरी कैसे बनती है। ठीक है, अभी ये रैंडम शूट हो रहा है, मुझे नहीं पता इसका क्या हाल होने वाला है, बट अगर आप चाहते हो मेरे गांव को देखना तो बने रहिए मेरे साथ। एक छोटा सा फंक्शन है वो अटेंड करते हैं, एक छोटी सी जगह पे वो अटेंड करते हैं, वहाँ की खुशियाँ देखते हैं, और बने रहिए मेरे साथ। तो तैयार हो गए हम लोग, एक ग्रीन कलर की शर्ट और एक पैंट के साथ। गाड़ी ये भी निकालने वाले हैं हम लोग। प्लान ये है कि मैं यहाँ से आधे रास्ते तक या पूरे रास्ते तक, जैसे भी कंफर्टेबल होगा, वैसे चला लेके जाऊँगा। ठीक है, और देखते आगे क्या होता है, तो बने रहो। अब लोग हम ATM के पास रुक गए थे क्योंकि हमें ज़रूरत है पैसे की, क्योंकि गाड़ी पेट्रोल पीती है और कुछ ज़्यादा ही पीती है। सो फाइनली हम लोग एक्चुअली रुके थे इस जगह पे। यहाँ पे रिसेंटली इफ यू कैन सी एक एक टेम्पल है, और हम लोग उसी टेम्पल को देखने रुके हुए थे। और बीच में सोचा था ये ब्रेक लेंगे, गांव से अब तक थोड़े क्लिप्स हैं। ऐसी ट्रैवलिंग हुई, रश ट्रैवलिंग क्या यार, मुश्किल थी गांव तक। एक्चुअली शहर से गांव का रास्ता काफ़ी दूर है, और शहर से काफ़ी ज़्यादा दूर होने की वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है। आई एम नॉट ब्लेमिंग, काफ़ी हद तक रोड काफ़ी सही थी, बट एट द एंड ऑफ द डे रोड वॉज नॉट सो गुड, क्योंकि यहाँ से अब हमारी एक्चुअली मुश्किल जर्नी स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि रोड डूब 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 है। आई एम प्लानिंग कि अब पापा चलाएंगे क्योंकि मैं थक गया बहुत हूँ, और ऊपर से धूप डायरेक्टली सर पे जाके लग रही है, और एक अजीब सी पगड़ी टाइप सीन मैंने बांध ली है। आई एम थिंकिंग कि अब आगे जाते हैं, अभी थोड़ी देर रेस्ट कर रहे हैं। हाथ जोड़ लिए थे ऑलरेडी, प्रणाम कर लिया है भगवान के मंदिर को कि एक अच्छा स्पॉट मिला है। फॉर्चुनेटली यहाँ पे बहुत ज़्यादा हरियाली है, इफ यू कैन सी पेड़ है, पीपल के चार चार पेड़ एक साथ मंदिर के पास। बहुत पुराने टाइम की यादें हैं जब पीपल के पेड़ों से यार एक्चुअली बहुत मज़ा आता था पीपल के पेड़ देखते हुए। क्या क्यों ये इतना नॉस्टैल्जिक था या क्यों इतना ज़्यादा लग रहा था, लुक एट दिस एंड दिस इफ यू कैन सी राइट है यहाँ। यार हमारे ना डिफेंस के जो मंदिर होते थे ना, वहाँ पे तीन चार चीज़ें बहुत कंपलसरी होती थी, और बहुत नॉस्टैल्जिक भी होता था कि ना जहाँ पे भी तुम रुकते हो, जिस चीज़ जो तुम रुकते हो वहाँ पे जो मंदिर है, वहाँ एक पीपल का पेड़ या बरगद का पेड़ कंपलसरी होता था फॉर्चुनेटली, और उसमें झंडा लगाया जाता था मंदिर पे। जितनी भी जगह मैं गया हूँ, जितनी भी जगह हम लोग गए हैं, वहाँ ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा कंपलसरी होती थी, तो ये काफ़ी ज़्यादा नॉस्टैल्जिक है। मुझे लगा ऐसी एक चीज़ है जो शेयर करनी चाहिए थी, एंड दैट्स ऑल। जिसकी खबर कहा बस था जमी से कोई सितारों का जिसकी खबर कहा ना बस था।
अभी मैंने और पापा ने यार छोटा सा यहाँ ब्रेक लिया है, हम लोग एक्चुअली इस नज़ारे को इंजॉय कर रहे थे। इफ पॉसिबल मैं तुम लोगों के साथ भी जरूर शेयर करूंगा कि किस नज़ारे की मैं बात कर रहा था। एंड दिस वाज दैट व्यू, इसी व्यू के बारे में मैं बात कर रहा था। लेट्स सी, हम थोड़ी देर और रुकने वाले हैं, इस नज़ारे को इंजॉय करेंगे, पापा के थोड़े फोटो शूट करेंगे। ये नज़ारा जो आप देख रहे हो यार, एक ब्रिज का है। ये वही ब्रिज है जो शहर और गांव को एक साथ जोड़ता है। शायद इसलिए ये कितना खास है क्योंकि आप यहाँ खड़े होकर महसूस कर सकते हैं कि शहर और गांव में दूरी कितनी है और ये ब्रिज कितना ज़्यादा ज़रूरी है उन्हें जोड़ने के लिए। काफ़ी ज़्यादा टाइम ट्रैवल करने के बाद हमें मिली एक हरी भरी जगह। हरी भरी जगह के साथ हमारा ताल्लुकात हुआ एक ऐसी जगह से जहाँ पे मुझे हमेशा ही सुकून मिलता है, एक खूबसूरत मंदिर से। अब यार ये मंदिर काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था और इसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग थी। हर एक जगह पे भगवान की मूर्तियाँ थी जो काफ़ी कुछ सिंबलाइज कर रही थी। मंदिर से ट्रैवल करने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि आधे रास्ते मैं गाड़ी चलाऊंगा और आधे रास्ते पापा। तो अब तक हम ऑलमोस्ट एक और गाँव बाकी था, उसके बाद हम लोग पहुँचने वाले थे अपने शहर। इतना ही कुछ हुआ था, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हमने थोड़ा सामान लिया क्योंकि नेक्स्ट ही डे हमारे पास सत्यनारायण की कथा थी, तो सामान चाहिए था। अगर आपका मन करता है तो यार आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपका दिल चाहता है। अगर किसी चीज़ का बुरा लगा हो तो कमेंट तो है ही, और महादेव हमेशा आप पे कृपा बनाए रखें। धन्यवाद।